गुड इवनिंग, वेलकम एट द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ विजय फिजिक्स क्लास 12 फाउंडेशन बैच के प्रिय विद्यार्थियों। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा टॉपिक था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। अब नया यूनिट स्टार्ट हुआ था मैग्नेटिक्स, इसमें एक छोटा सा रूल हम लोग सीखे हैं बायो सावर्ट ला, जो कि बहुत कारगर है। कोई करंट कैरिंग वायर, किसी तार में करंट फ्लो कर रही और तार कितना भी टेढ़ा मेढ़ा किसी भी शेप का हो, कैसे भी जिग-जैग टाइप का हो, मुड़ा हो, उसकी वजह से किसी डिजायर्ड पॉइंट, मनचाहा कोई पॉइंट हो, उस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये इसका बेसिक फिगर था जो हम लोग बायो सावर्ट ला लिखते समय बनाए थे। इसको जरूर मन में बैठाए रहिए। डीएल क्या है? स्मॉल सेलेक्टेड लेंथ है। इसके बाद लेंथ बहुत है, इसमें से जो आप कंसिडर कर रहे हैं, जो स्टेटिक पार्ट बना रहे हैं, वो आपके लिए जरूरी है, वही डीएल है। इस स्मॉल सेलेक्टेड लेंथ से आर डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अगर कोई गलती से कह दे कि ये एंगल नहीं, हम इस एंगल को थीटा सपोज कर रहे हैं, तो आप कहिए कि चलिए ठीक है, आप ही की बात सही है, जरा भी गलत नहीं होगा। रीजन क्या है? अगर आप इसको मानना चाहते हैं कि ये आपके लिए, अगर ये थीटा है तो ये आपके लिए 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा ही लगाइए ना। साइन 180 माइनस थीटा क्या है? फिर से साइन थीटा। यानी एंगल चाहे स्मॉल छोटे साइड के लिए, चाहे बड़े साइड के लिए, छोटा वाला एंगल चाहे बड़ा वाला एंगल, दोनों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो आपको सपोज करना, चाहे ऊपर का एंगल थीटा चाहे नीचे का एंगल थीटा। तो ये इससे भी हम लोग थोड़ा फ्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे ऊपर थीटा मानी चाहे नीचे थीटा मानी, साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा दोनों के लिए सेम आते हैं, इसलिए कोई डर नहीं है। डीबी की जो वैल्यू आई थी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये था स्मॉल मैग्नीट्यूड। अब इसी बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन देखना है पूरे लेसन में। कुल 6 एप्लीकेशन देखने, 6-7 ऐसे एप्लीकेशन नंबरिंग आप लोग किए थे, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करना है, एक एक करके पूरी बातों को समझना है। एप्लीकेशन देखने से पहले हम सोच रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो देखा गया था बायो सावर्ट लॉ से, डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बातें सीख लें, फिर उसके बाद धड़ाधड़ एप्लीकेशन सीखा गया, इससे क्वेश्चन भी हम लोग साथ साथ लगाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं नोट में, मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट में बी और वेक्टर बी लिख दीजिए, ये जो है वेक्टर पॉइंट, वेक्टर लगा भी दिए सामने लिख भी दिए, और इसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? कुछ डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एनी वन ऑफ द दो रूल बता रहे हैं, उसमें से जो मन करे किसी एक को लगा करके निकालिए। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू रूल्स, दो रूल है। पहला है राइट हैंड पाम रूल, नंबर वन। ये नंबर वन कहने से तुरंत एक बात और याद आ गई कि ऐसे सोच लेते हैं हम लोग, बात को ही पकड़ ले रहे हैं। राइट हैंड पाम रूल नंबर वन कहा जा रहा था, इसका मतलब नंबर टू भी होता होगा, सही बात है, होता है, आगे पता लगेगा। दूसरा मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल, मैक्सवेल के राइट हैंड का स्क्रू वाला रूल। अच्छा एक बात बता दें, जैसे ये हमारा राइट हैंड है जिसमें रेड रिबन लाल वाला धागा बांधे हैं, और जो गोल्डन वाली वॉच लगाए हैं गोल्डन वाली, ये लेफ्ट हैंड है। तो ज्यादा एक्टिव कौन सा हैंड है? देख रहे हैं हाथ की सरह, दोनों हाथ एक सर एक तरह से बिहेव कर रहे हैं। वैसे भी ज्यादा एक्टिव हैंड राइट हैंड होता है,
कम एक्टिव वाला लेफ्ट हैंड होता है। तो राइट को लैटिन में डेक्स्ट्रो बोलते हैं, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो वाला ज़्यादा एक्टिव होता है। और इसी तरह हम लोग ऑप्टिकल जब आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो उसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दो तरह के कंपाउंड होते हैं। डेक्स्ट्रो वाला काफ़ी एक्टिव होता है, डेक्स्ट्रो वाला कंपाउंड अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो आपकी एक्टिविटी भी बढ़ा देता है। और लेफ्ट को लीवो बोलते हैं। आप बताइए मार्केट में कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बिकता है, ग्लूकोन डी बिकता है या ग्लूकोन एल बिकता है? ग्लूकोन एल का तो आज नाम सुने, मार्केट में आप ग्लूकोन डी ही सुनते हैं। डी जो लगाया जाता है वो किसके लिए? हार्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट साइड वो रोटेट करेगा, क्लाक वाइज रोटेट कराएगा, ये ज़्यादा एक्टिव होता है इसके लिए। अगर ग्लूकोन एल खा पी लेंगे आप ग्लास में घोल करके तो कौन कहे एक्टिव होने को, एकदम सुस्त होकर के लेट जाएंगे, सो जाएंगे आप। डेक्स्ट्रो मीन्स डेक्स्ट्रो इज द सिंबल, डेक्स्ट्रो किसका सिंबल है? ज़्यादा एक्टिविटी का। दुनिया में कुछ ऐसे भी आदमी हैं जिनका दोनों हाथ राइट हैंड की तरह एफिशिएंट है, दोनों हाथ राइट हैंड की तरह एक्टिव है, ऐसे आदमियों को एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन बोलते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन, एम्बी मीन्स बोथ, दोनों, एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन जो बहुत एक्टिव, बहुत कार्यकुशल, दोनों हाथ से एफिशिएंटली काम कर लेता। चलिए, तो ज़्यादा एक्टिव हम लोगों का दाहिना हाथ, तो दो हाथ हैं और कुल मिलाकर के चार रूल हैं, चार रूल हैं, लेकिन ज़्यादा एक्टिव वाले से ज़्यादा रूल सीखना है। तो भाई दो रूल होता तो बराबर एक मामला था, ज़्यादा रूल मतलब राइट हैंड से तीन रूल सीखना है, थ्री ला, और लेफ्ट हैंड कम एक्टिव एक टू सीखना, और वही कौन, फ्लेमिंग वाला। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल चलिए एक टू अलग है, बाकी राइट हैंड पाम रूल नंबर वन, राइट हैंड पाम रूल नंबर टू, दो हो गए, और एक नीचे मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल, सब राइट हैंड का है। एक वही लेफ्टी थे, वही फ्लेमिंग थे, फ्लेमिंग के लिए अलग। कुल मिलाकर के चार रूल हैं, राइट हैंड पाम रूल नंबर वन, राइट हैंड पाम रूल नंबर टू, मैक्सवेल का राइट हैंड स्क्रू रूल, तीन तो हो गए दाहिने हाथ से, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, दो फोर्स का। ये पाम रूल नंबर वन और मैक्सवेल का रूल क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और अगला जो बचा है फ्लेमिंग वाला और राइट पाम रूल नंबर जो टू बचा है वो बताएगा फोर्स। कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें किसी वायर, वायर को रख दिया जाए और उसमें करंट पास करे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट करें वायर में, उस वायर मूव करने की टेंडेंसी रखता है, अगर फ्री है तो मूव ही करना शुरू कर देता है। तो फोर्स का डायरेक्शन पता लगाते हैं दो रूल से। ये दो रूल आज सीखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बचे हुए दो रूल बाद में सीखे जाएंगे धीरे धीरे, बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। टोटल चार रूल हैं जिसमें से दो आज ही सीखेंगे और ये सिंगल मार्क में आपके यहाँ आते हैं। तो लिखिए, बिना नंबरिंग हेडिंग डालते हैं, राइट हैंड पाम रूल नंबर वन। ये वायर करंट वायर में बॉटम टॉप नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब बताइए यहाँ पर जो हमने प्लेस लोकेट किया, ऐसे सर्कल बना दिए, मार्किंग किए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह? राइट हैंड पाम रूल नंबर वन से देखिए, पहले कुछ कमांड करते हैं उंगली फैलाने के लिए, इस तरह से आप पाम, पाम मीन्स हथेली, इस तरह से हथेली को फैलाइए जिससे फिंगर थंब के परपेंडिकुलर है, भी सीधे सी बात है, ऐसे फैलाना सीधा जैसे फैला देना नॉर्मली। देखिए फिंगर शरीर डायरेक्शन में, फिंगर साथ हल्का सा सीधा हो जाए, मैंट दिख रहा है, इस तरह से फैलाना है। चलिए, तो अब कौन क्या रिप्रेजेंट करे, जो फिंगर्स हैं, फिंगर जो फैली हुई उंगलियाँ हैं वो उस प्लेस को लोकेट करें वेयर वी हैव टू एस्टिमेट मैग्नेटिक, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं उसे फैला दें। और थंब क्या रिप्रेजेंट करे, करंट वायर में फ्लो करने वाली करंट रिप्रेजेंट करे, यानी थंब ऊपर करिए ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उधर जाएगा, जो पाम होगा पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। याद रखिए पूरी बात को, पहले तो पाम को कैसे फैलाना है हथेली को, फिंगर मे बी परपेंडिकुलर टू द थंब, इस तरह से फैलाइए। अब स्ट्रेच फिंगर क्या रिप्रेजेंट करें, प्लेस या पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। और थंब क्या रिप्रेजेंट करें, करंट फ्लोइंग इन द वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा
परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये नॉर्मल टू द पाम, हथेली के नॉर्मल ऊपर की ओर बाहर की ओर। यहाँ देखिए किधर होगा, तो ये ऐसे फैला लीजिए, एक ही सेटिंग करिए, वायर पर हाथ रख के फैलाइए, फैल गए थंब ऊपर ऐसे, तो हथेली का परपेंडिकुलर बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन किधर होगा, बोर्ड के अंदर जाएगा। अंदर के लिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर क्रॉस मार्क, क्रॉस मार्क अंदर, और इधर बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, फिर से यही वायर फिर हाथ रखिए ऐसे इशारा कर रहे हैं, थंब किधर होना चाहिए करंट के, तो लीजिए करंट डायरेक्शन ऊपर है, ऐसे कर दिए, किधर जा रहा है इसका नॉर्मल बाहर आउटवर्ड, और आउटवर्ड के लिए डार्ट, याद रखिए दो स्पेशल नोटेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो ऐसे बनाइए थी, राइट साइड है तो ऐसे बनाइए, नीचे है तो ऐसे बनाइए, लेकिन इस बोर्ड के अंदर है, आपके प्लेन ऑफ पेपर के अंदर है, प्लेन ऑफ पेपर के बाहर है, तो कैसे बनाएंगे आप, तो इसके लिए आउटवर्ड के लिए डॉट नोटेशन और इनवर्ड के लिए क्रॉस। आउटवर्ड इनवर्ड के लिए डॉट और क्रॉस कैसे लिया गया, तो इसको समझना चाहते थे समझ लीजिए, ये जैसे एरो है, एरो सचमुच बना रहे एकदम सही सही वाला, इसके पिछले वाले हिस्से पर भी एक क्रॉस मार्क लगा होता है, जिससे उस बो पर धनुष पर उसको रख सके और उसमें जो स्ट्रिंग होता है धागा उसमें आप फंसा सके, ये वाला एक्चुअल शेप है। अच्छा अब आप बताइए, यही एरो उठाइए, एरो उठाइए और ये ऐसे जस्ट आपके आपके सामने लाए, आपको क्या दिखेगा, आपको इसका टिक दिखेगा, नोक, और नोक कैसा एकदम शार्प धारदार है, एकदम डार्ट दिखेगा, यानी एरो आपकी तरफ अगर है तो आपको डार्ट नजर आएगा, यानी बोर्ड से बाहर अगर एरो निकल रहा है तो डार्ट आपको दिखेगा, वही डार्ट दिखाना बाहर के, और एरो बोर्ड के अंदर जा रहा है तो लीजिए ऐसे पकड़ लीजिए कुछ लेंस का, देखिए टेल वाला पोर्शन, ये क्रॉस वाला पोर्शन आपकी तरफ दिख रहा है, तो क्रॉस दिख रहा है तो इसमें घबराने की बात नहीं, एरो आपसे दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है मतलब इनवर्ड जा रहा है, अंदर की जाएगा तो आप क्रॉस देखिए, याद रखिएगा तीर आपकी तरफ आ रहा है तो आपको नुकीला पार्ट दिखाई देगा यानी डार्ट दिखाई देगा, तो वही है बाहर तरफ निकलने के लिए डार्ट, अंदर की तरफ के लिए क्रॉस, बाकी प्लेन में कहीं है तो उसको तीर पूरा पूरा सही से बना लेंगे, इसी पूरी बात को दिखाना है समझना है। फिर से फिंगर को ऐसे फैलाना है जैसे थंब के परपेंडिकुलर हो, फिंगर किधर इशारा करें जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, थंब किधर इशारा करें करंट के डायरेक्शन को बताए, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्मल ड्रॉन ऑन पाम इन आउटवर्ड डायरेक्शन, हथेली पर जो नॉर्मल होगा बाहर वही बताए लिखा जाए। इफ we stretch if we stretch our right hand palm in such a way so that fingers be perpendicular to the thumb, fingers be perpendicular to the हम अंगुलियां अंगूठे के परस्पर 90 डिग्री पर। अच्छा ये कोई रूल अभी तक थोड़ी हम लोग सही से वाला बोल पाए, अभी तो केवल हथेली फैलाने का तरीका बताएं कैसे फैलाना है, ये तरीका फुल स्टॉप। इफ स्ट्रेच्ड फिंगर, स्ट्रेच फिंगर represent the direction of stretched finger, represent the direction of नहीं direction नहीं stretched finger क्या बताए उस प्लेस को बताए जहां पर निकालना है, stretched finger represent रिप्रेजेंट मत करिए इंडिकेट कर दीजिए,
indicate the place where we have to calculate magnetic field and thumb indicates the direction of current. In the wire, direction of current in the wire. Then direction of magnetic field. देखिए थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखे एक बार और, ये मैग्नेटिक फील्ड को नहीं बता रहा है फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर क्या इशारा कर रहा है कि जहां पर निकालने वाले हैं उस तरफ संकेत करो, उस तरफ ऐसे फैलाना है, द राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को नहीं, वो बताया गया। देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, कौन प्रस्तुत करेगा, नॉर्मल ड्रॉन ऑन पाम इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये इतना बड़ा रूल है, बातें वही सिंपल सी कि पहले ऐसे फैलाना फिंगर को जिससे थंब के साथ 90 बनाए, फिर ये उंगलियां किस तरह फैलाएं, जिधर जरूरत हो, जहां जरूरत हो उसे हाथ फैला दिए, कुछ कुछ मिल जाएगा। क्या लेना है, मैग्नेटिक फील्ड, जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस तरह फैला दीजिए आप। फिर उसके बाद थंब क्या बताए, करंट को बताए वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन होगा नॉर्मली। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना जरूरी है, याद रखिए। जैसे एग्जांपल देखिए, करंट नीचे सुपर फ्लो कर रही है इधर और इधर, किसी एक तरफ निकाली उसका उल्टा दूसरी तरफ हो, जैसे इधर बताइए ऐसे फिंगर फैला दी, हमको किधर सेट करना है, करंट डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन इशारा इधर की तरफ रहे, आप फिंगर को मत बता ले, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे क्यों करेंगे आप, फिंगर इधर सेट क्यों, उधर रहे फिंगर, बस थंब को अपना सेट करिए, ऐसे दोनों सेटिंग हो गई, ये प्लेस को लोकेट कर रहे हैं फिंगर और ये थंब करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉर्मल बाहर की तरफ खींच दीजिए, वही होगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो जाएगा, यानी इस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, बाहर के लिए डॉट, ये आपके लिए बाहर की ओर, आउटवर्ड बाहर। आज लिख भी सिंबल भी लगा दिए और लिख भी दिए, बाद में केवल डाट तो आउटवर्ड एकदम दिमाग बैठा लीजिए हमेशा, इधर जरा चेक करिए, फैला दिए और थंब ऊपर तरफ करिए, करंट ऊपर रहते ऐसे, अब इस पर हथेली पर नॉर्मल ड्रा करें तो बोर्ड के अंदर घुस जाएगा, अंदर चला जाएगा, यानी कि अंदर क्यों होगा मैग्नेटिक फील्ड, कितना आसान, इस तरफ इनवर्ड अंदर की ओर होगा ऐसे। दूसरा एग्जाम, अब दूसरा क्या, बस हो गया, अब ऐसे हो गया हुआ है। अच्छा एक बात और आपको मजेदार बता दें, कहां मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वायर पर नहीं पूछा जाए, वायर की सीध में भी नहीं पूछा जाए, याद रखिए वायर के पीठ पर, इसके बैक पर नहीं पूछा जाएगा, ना तो आगे ना तो पीछे, कहां पूछा जाए, अगल बगल, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, यानी वायर पर और वायर की सीध में मैग्नेटिक फील्ड कभी क्वेश्चन नहीं डिमांड किया जाए। अगर डिमांड करता है जीरो करिए, जीरो बोलिएगा आप, जो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, डायरेक्शन किस बात का, यानी वायर पर और वायर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, कहाँ होना है, वायर के अगल बगल आजू बाजू। यहाँ बताइए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, तो ऐसे एक ही बार सेटिंग में, थंब ये हो गया और एक फिंगर इशारा करेंगे किस तरफ, अंदर क्रॉस,
और इधर तरफ डार्क, ये अंदर की ओर है। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा आप फेरबदल नहीं कर पाएंगे, वास्तव में बात समझ लीजिए। देख लीजिए, आप कहेंगे सर तो पहला वाला एग्जांपल है वही, ऐसे पलट दिया था तो हो तो गया, ऐसे पलट देंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, वाला नीचे चला जाएगा, वही तो है। कह तो रहे हैं बस सेट, एक दो एग्जाम्पल है, अब इससे ज्यादा क्या आप बार बार बना के क्या बहकाएंगे। हो गया, चलिए इतना बना लीजिए। दूसरा सेकेंड, मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू रूल, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का, मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू रूल। और इसी को आप लोग जरूर से जरूर याद ना हो पाए तो कम से कम मीनिंग समझ लीजिए और इसी का अप्लीकेशन करिएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने। बाकी एग्जाम में अगर नाम लेकर पूछा जाता ये वाला रूल लिखे तो भाई आपको लिखना ही पड़ेगा सिंगल मार्क एक नंबर के लिए। और लेकिन बड़े बड़े टेक्निकल क्वेश्चन को तोड़ने के लिए जहां पर किसी प्लेस पर चार पांच मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो और किसी डायरेक्शन बाहर, किसी के अंदर, किसी के लेफ्ट राइट, तो डायरेक्शन क्लियर करने के लिए इसका यूज जरूर करिएगा। हमारी बात मानिए, हमेशा खुश रहेंगे आप। अच्छा, बहुत सस्ता बहुत आसान है। अब इस ला के हम लोग इसकी खिंचाई कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि ये वाला गड़बड़ था, गड़बड़ नहीं था, बस दो बार आपको हाथ ऊपर नीचे करना था, पूरे बॉडी को यहां से वहां चलाना था। जैसे कहें इधर बताइए मैग्नेटिक फील्ड, लीजिए इधर आ गए, हो गया ऐसे बाहर, इधर बताइए मैग्नेटिक फील्ड, रुक जाइए टहलने दीजिए जरा, इधर आइए, फिर इधर, ये अंदर, पूरे बॉडी को यहाँ 50-60 किलो बॉडी की इधर उधर ले जाना पड़ा आपको, काफी चक्कर, काफी इधर उधर दाएं बाएं खिसकाएंगे आप। अब देखिए कितनी खिंचाई कर रहे हैं इस लाइन, और इसका बखान करने चल रहे हैं मैक्सवेल वाले का, बहुत सुपीरियर, बहुत टॉप लेवल का ग्रेड का, एकदम सस्ता, एक झटके में वायर के इधर उधर दोनों तरफ खा जाता है, एक झटके में क्विक मोड में। अरे इधर उधर नहीं, हवा में चारों तरफ दसों प्लेस पर, सैकड़ों प्लेस पर बता सकता है विद इन अ सेकंड, एक सेकंड के अंदर। इसका जरा यूटिलिटी समझिए, बात को समझिएगा। इसमें एक पेचकस लेना है, पेचकस, और पेचकस अक्सर लोग नट बोल्ट कसे, वो स्क्रू कसे होंगे, स्क्रू टाइट किए होंगे, तो कैसे, किस हाथ में पेचकस लेना है, ये प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन है, आपको राइट हैंड में ही पेचकस लेना है। और पेचकस इस तरह घुमाइए, पेचकस के ऊपर यही नोक मतलब स्क्रू रखा जाता है, इस तरह घुमाइए पेचकस को जिससे स्क्रू की जो नोक है, जो उसकी टिप है, वो करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो सीधी सी बात है, ऐसे है जैसे कसना पड़ेगा, ऐसे कसना पड़ेगा, ऐसे कसना पड़ेगा, ऐसे कसते चले जाएंगे तो स्क्रू धंसता चला जाएगा जहां धंसना हो, समझ रहे हैं आप। स्क्रू पेचकस पर स्क्रू रख लीजिए और इस तरह पेचकस को रोटेट करिए सो दैट टिप ऑफ स्क्रू में एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट डायरेक्शन एडवांस करे, आगे बढ़े। तो पेचकस को घुमाने के लिए हाथ आप घुमाएंगे, हाथ में इस अंगूठे थोड़ा फ्री छोड़िए सोबाजी करने के लिए, तो जो अंगूठा जो मूव करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, याद रखिएगा। फिर से देखिए, अब यहाँ पर कितना मजेदार होगी, करंट ऊपर जा रही है तो दाहिने हाथ पेचकस लीजिए, ऐसे घुमाएं, कस दें, लीजिए कस दिए, कस दिए, कस दिए, लेकिन कसना है थोड़ा सोबाजी करते हुए, जैसे ऐसे किसी पेचकस की छत है, सीलिंग है, सीलिंग में से नट लगा, वो स्क्रू लगा कस रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें, वास्तव में हम घुमा ही रहे हैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कोई छोटा भाई है आपका, वो कह रहे हैं जरा हम भी देखें, तो आप ऐसे घुमा रहे हैं तो कहेगा अरे जितना घुमा रहे हैं उतना लूज कर दे रहे हैं, जितना घुमा रहे हैं उतना लूज कर दे रहे हैं, जबकि आपकी आपकी आत्मा जान रही है आपने केवल टाइट ही किया है। अब उस छोटे बच्चों को भी यकीन हो जाए कि आप सच में पेचकस को घुमाने के लिए क्लॉक वाइज ही केवल घुमाएं, एंटी क्लॉक वाइज हाथ को स्लिप कराएं, बाकी घुमाएं हैं, हाथ को स्लिप कराएं, घुमाएं हैं, ऐसा सोबाजी आप कर दीजिए, केवल कसता हुआ दिखाइए, और बल्कि ऐसा करिए, ऐसे सचमुच में तो ऐसे पकड़ते हैं पेचकस को, आप थोड़ा सोबाजी करने के थंब को पेचकस 790 बना लीजिए, थंब को पेचकस 790 इस तरह से फिंगर्स पकड़िए, थंब को ऐसे 90 कर लीजिए। अब देखिए जरा, हम घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, देखिए करंट ऊपर जा रहे, घुमा रहे, ए बाहर, ए अंदर, समझ लीजिए एक झटके में क्विक मोड में, करंट डायरेक्शन पहले पेचकस रख लीजिए, फिर थंब को फैला लीजिए, पेचकस 790 बनाए, तो घुमाइए पेचकस को, पेचकस को घुमाने के लिए थंब भी तो आपको रोटेट करेगा,
जो थंब का रोटेशन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा। किधर जा रहा थंब? बाहर। किधर जा रहा थंब? अंदर। एकदम एक चुटकी में, एक झटके में आ गया। इसी बात को हम लोग लिखने वाले। देख लीजिए यहां पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर बोलिए किधर जा रहा? बाहर। किधर जा रहा? अंदर। एक का झटके में दोनों को, बाहर अंदर, बाहर अंदर, आ गया नहीं। ये वाला एग्जांपल देखिए कितने चुटकियों मारा है, ऊपर बताइए नीचे बताइए, घुमा दीजिए पेचकस, पेचकस रख रहे हैं ऐसे घुमा रहे हैं, दाहिना हाथ राइट हैंड जिसमें धागा बंधे, इधर बाहर अंदर, एक बार बाहर और अंदर, वही दोनों एग्जांपल जो इधर उधर बाएं बाएं करते थे, खाली ऐसे घुमा देना कट से के बाद पकड़ लेना। ये है मैक्सवेल का सबसे यूजफुल, सबसे इफेक्टिव रूल। इसको लिखिए, इफ वी रोटेट आवर राइट हैंड by taking a screwdriver, स्क्रू माने वही पेंच और ड्राइवर माने पेचकस, स्क्रू ड्राइवर में पेचकस होता है, स्क्रू ड्राइवर, इफ वी रोटेट आवर राइट हैंड बाय टेकिंग ए स्क्रू ड्राइवर इन सच अ वे, इन सच अ वे सो दैट टिप माने नोक होता है भाई, स्क्रू की नोक, टिप ऑफ स्क्रू एडवांसेस इन द डायरेक्शन ऑफ, एडवांसेस इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट, देन तो क्या थंब जो रोटेट करेगा वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन, देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ थंब will represent the magnetic line of forces, पूरे magnetic line को represent कर देगा। अब इसमें क्या नया example कहां से, वही example फिर, और एक बात और आप बता दें, किसी कोई बार दिया गया हो तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया हो, आप ये थोड़ी छांट पाएंगे कि ये मैक्सवेल के रूल्स निकाला गया, कि राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से निकाला गया है, ये कहां क्लियर कर पाएंगे आप? दोनों सही, दोनों से करेक्ट आता है, तो ज्यादा यूजफुल, ज्यादा अप्लीकेबल कौन है? सेकेंड वाला। लीजिए जरा हाथ को घूमना फिरना देखिए, और आप भी कॉपी पर अभ्यास करिए, तो देखिए मत, अपने हाथ को घुमा करके काफी चेक करिएगा, तब आपकी बातें पूरी समझ में आ जाएंगी। पेचकस रखिए, धारा करंट, करंट ऊपर जा रही तो आप ऐसे रखिए, पेचकस घुमाइए बाहर, अभी रोकिए मत, आने आने दीजिए, अंदर, अंदर माने क्रॉस, बाहर माने डार्ट, हो गया। ये बाहर वाला है आउटवर्ड, इधर अंदर वाला है इनवर्ड। अब क्या इसमें नया एग्जाम्पल कहां से लाएंगा? चलिए इधर देखिए, करंट इधर जा रही है, पेचकस रखिए घुमाइए बाहर अंदर, बाहर बस हो गया काम खत्म। तो डायरेक्शन हम लोग सीख लिए हैं, किसी पॉइंट पर, किसी प्लेस पर कई बार अपना अपना असर डाल रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो मल्टीपल मैग्नीट्यूड, मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है किसी पॉइंट पर, तो उसका उस पॉइंट पर नेट जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा और किस तरफ होगा,
कितना होगा, बायोसाइड बताएंगे, किस तरफ होगा, ये दोनों रूल में से ये बता देगा। अब भाई सीरीज बात है, वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन अगर दो लोग डेवलप करेंगे प्लस कर देंगे, ऐड करते जाएंगे, कोई उसमें हल्का फुल्का नाक भाव बनाया, हल्का फुल्का अप्रोच किया तो छोड़ेंगे नहीं, माइनस कर देंगे बस। चलिए अब सीखने लायक तो नहीं अपनी क्वेश्चन एट नंबर वन, पहला क्वेश्चन एक तो सीख लेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द, चलिए छोटी शेडिंग डालते हैं, सर्कुलर लूप करते हैं, सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप है, करंट पास कर रही है उसमें और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर निकालने वाले, तो फार्मूला आप तुरंत सीखिए, प्रूविंग तो सेकंड बाद, म्यू नॉट बाई टू और इंटू आई बाई आर, प्रूफ देखिए, समझिए बात, कितनी रेडियस है आर, करंट कितनी पास कर रही है आई, तो बोलिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आप पेचकस रूल लगा दीजिए, यहीं पर रखिए सेंटर तरफ इशारा करिए, बाहर बाहर तरफ होगा, कहीं से देख लीजिए, मान लीजिए यहां से करंट, करंट इधर गई थी नीचे चढ़ेगी, यहीं से देख लीजिए किधर होगा बाहर, मान लीजिए करंट इधर लौट के आ रहे नीचे की तरफ, यहां से देख लीजिए सेंटर की तरफ देखना है, पेचकस रखिए इधर एक बाहर, कहीं से चेक करिए बाहर, लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रही है, इसकी वजह से सेंटर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, आउटवर्ड बाहर और होगा, चाहे तो आप डायरेक्शन दिखा सकते हैं, नीचे डॉट अच्छे से लगा है और ऐसे राउंडिंग कर दिए, माने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता लग गया डॉट से, डॉट मींस आउटवर्ड, डेरिवेशन करना, फार्मूला तो सामने हाजिर है, कैसे है उसके से कैसे का जवाब सर्च करें, एक छोटा सा पार्ट ऐसे रंग पेंट डार्क एंड ब्लैक काला काला कर देंगे, इसके लेंथ को डीएल से सोच कर, डीएल और इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है यानी रेडियस, उसके बीच में कितना एंगल फ्रेम हो रहा है 90, याद रखिए मेन आपका फार्मूले वाला बायोसोड पहले वाले लेक्चर में वही मेन फिगर बार बार इसी का हवाला देंगे, यही से रेफरेंस बना रहे हैं इस फिगर को, इसी से कंपेयर करेंगे, ये सिलेक्टेड लेंथ डीएल है, यहीं से आर डिस्टेंस निकालना है, आर और डीएल बीच में जो एंगल होता है वो थीटा होता है, कोई पूछे थीटा का रोल कितना किया तो आप कहेंगे 90, ये तो टेंजेंट तरह दिख रहा है, टेंजेंट और रेडियस 90 हम करते हैं, चलिए फिगर बार दो लाइन लिखते हैं, डेरिस बहुत छोटा सा लंबा सा है, अकॉर्डिंग इस फिगर लेट करंट कैरिंग, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और रेडियस कितनी है, आप रेडियस आर एज प्लेस, यही रखा गया है, कहाँ हम लोग कॉपी में पेपर के प्लेन में इज प्लेस, हम तो बोर्ड कहेंगे लेकिन आप लोग मतलब जी टाइप में बोर्ड कह देंगे, हम ही कह दे रहे प्लेन ऑफ पेपर, प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर फुल स्टार, ये तो फिगर दिख रहा था उसी बारे में बखान किया, फिर क्या चाहते हैं उसको बताइए साफ साफ, आपका टारगेट क्या है, क्या इन बना करके आप चले, वी हैव टू फाइंड आउट, बहु फार्मूला बनाने आए हैं आप, फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द, कहां बस वही सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ लूप, और करंट कितनी कैरी कर रही आई, चल बात पूरी हो गई, ये दो लाइन तीन लाइन की बातें याद रखती थी, एग्जाम में जरूर लिखिए, अच्छा उसका प्रभाव पड़ेगा, नहीं याद है बिल्कुल अफसोस भी नहीं करना है, जो एरो लगा के लिखने चल रहे हैं वो डेरिवेशन का एक्चुअल पार्ट, उसको जरूर हाईलाइट करना, यही मैथमेटिकल प्रोसीजर है, लिखिए
अप्लाइंग बायोस्टेविट लॉ, अप्लाइंग बायो सेवर्ट ला, वी है डीबी, एक बार फार्मूला तो जरूर लिखी, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एन साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। आज ढेर सारी चीजें मैच कर रही हैं, आर सचमुच में आर है, डीएल जो लेंथ होता है सेलेक्टेड डीएल लिया गया है, करंट आई ही है, सब कुछ तो सेम है, बस एंगल 90 हुआ, थीटा को 90, हियर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। दस अब फायदा लीजिए, ठीक है, हम तो हटा दिए, कोई पूछे डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, आप कह दिए डीएल छोटा सा पार्ट है, कहां सेलेक्ट किए रेडियस पर, नहीं बॉर्डर सेलेक्ट किए, तो इंटीग्रेशन में पूरा बॉर्डर काला काला कर डालिए, पूरा बॉर्डर माने 2 पाई आर, कोई सरकमफेरेंस, कोई डीएल का इंटीग्रेशन पूछेगा तो आप फटाक से 2 पाई आर बोलिएगा, अगर वही डीएल रेडियस पर सेलेक्ट किया था तब पूछ, तब उसका इंटीग्रेशन केवल आर, अगर वही डीएल डायमीटर सेलेक्ट किया गया होता तब उसका इंटीग्रेशन 2 आर, इंटीग्रेशन माने पूरा होल सोल कंप्लीट के बारे में जानकारी देता है, घबराना बिल्कुल नहीं है। दस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी क्या आ जाएगी जी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ 90 और डिनोमिनेटर में आर का स्क्वायर, ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, हटा दिया, देखिए कितना स्टिप खा रहे हैं, नहीं कुछ खाने को मिला तो स्टिप खाना शुरू कर दिया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल बाई आर का स्क्वायर, दिस बी द ठीक ठाक इक्वेशन 1, ये बढ़िया वाला इक्वेशन नंबर 1 हुआ, इसे इंटीग्रेट करिए कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, आर इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 अंडर, ये भाई ये लाइन लिख करके फंस चुके हम लोग, ठीक ठाक लिमिट, प्रॉपर लिमिट क्या, वही डीएल ही वेरिएबल है, डीएल का मिनिमम वैल्यू क्या, सेलेक्ट ही मत करिए 0, और डीएल की मैक्सिमम वैल्यू क्या, पूरा सेलेक्ट कर लिए 2 पाई आर, ये लिमिट बन गई 0 से 2 पाई आर, वी गेट या वी है नेट मैग्नेटिक फील्ड, कैसे, ऐसे एज इधर डीबी इधर कांस्टेंट बाहर लीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई भी और नीचे आर स्क्वायर इंटीग्रल में केवल तो डी एल, तो इसकी लिमिट 0 से 2 पाई आर, कांस्टेंट को बाहर ले ही सकते हैं, कांस्टेंट सब कुछ था केवल डी एल था अंदर, डी एल वेरिएबल, डी बी की इंटीग्रल भैया सादा सादा बी, इधर म्यू नॉट बाई 4 पाई, वैसे भी डी एल की इंटीग्रल 2 पाई आर हम लोग गेस किए थे, लिमिट उमिट लगा दी तभी दूसरे में देरी होगी, लेकिन आए गए आई बाई आर का स्क्वायर, अपर लिमिट 2 पाई आर, डी एल का इंटीग्रल एल हुआ जी 0 से 2 पाई आर, चलिए दो लाइन और लेट होगा, जैसे डी एक्स का एक्स होता है वैसे डी एल का एल हो गया, कितना आसान कितना मजेदार, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर का स्क्वायर, अपर लिमिट रखिए 2 पाई आर, लोअर लिमिट रखिए 0 हट गया, तो बस अब यहाँ पर आर से आर क्या, ये आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तब भी पाई तो पूरा कट जाएगा लेकिन 2 बचेगा, डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख दे रहे हैं, ये हो गया आपके लिए म्यू नॉट बाई 2 और इंटू आई बाई आर, यही आपके फाइनल रिजल्ट, दिस बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये थोड़ा सा स्पेशल बातें सीख लेते हैं जैसे क्वेश्चन टूटने लगे, स्पेशल पहला हार आधा लूप होता है सेमी सर्कुलर लूप,
अगर आधा लूप होता आधा कर दीजिए आप भी, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जो बाई टू था एक टू नीचे टू और आ जाए और आधा बाई फोर हो गया आई बाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल अच्छे आते हैं। दूसरा हार सर्कुलर लूप ऑफ कैपिटल एन टर्न्स, कभी कभार जैसे पंखे उंखे की बाइंडिंग की जाती है, फैन जो सीलिंग फैन है फर्राटा फैन वो जल जाए तो बाइंडिंग की जाती है, बाइंडिंग एक तार के और सर्कुलर लूप नहीं बनाते, कई ठो 150 ठो क्लॉकवाइज ऐसे सर्कुलर लूप बना के एक कुंडली बना लेते, एक क्वाइल ए जगह लगा देते, फिर ऐसे 10-20 टर्न ऐसे बना करके दूसरा क्वाइल, इस तरह से कई टर्न हो एन टर्न ऐसे सपोज करते, क्या करना है जो कंप्लीट वाले की वजह से था और उसमें एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए एन से ऊपर, तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड आपके लिए बी इक्वल्स टू कितना म्यू नॉट बाई टू और ऊपर एन आई बाई आर हो गया। एक ही चक्कर है वायर का, एक ही टर्न है, एन को एल वन कर दिया। अच्छा ये जब ज्यादा कीमती फार्मूला गई, ये जनरल फार्मूला है, अगर कहा आधा चक्कर है तो हाफ करिए फोर हो जाएगा, देखिए पहला वाला स्पेशल केस खुद ही आ जा रहा है, तो इतना तो आप लोग सीखिए, कल इस पर सवाल चलेंगे और इसकी क्लियरिटी बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, समय समाप्त हुआ, बातें पूरी हुई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।